पूजा हेगड़े का जलवा कैन फिल्म फेस्टिवल में बरकरार है। उनके लुक के हर तरफ चर्चे हैं। वो जैसे ही रेड कार्पेट पर आए, लोग उनसे नजरें नहीं हटा पाए। उनका ग्लैमरस अंदाज इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसी बीच एक्ट्रेस ने एक बड़ा ही शॉकिंग खुलासा किया है। आपको बता दें, जब पूजा हेगड़े ने कैन फिल्म फेस्टिवल में रेड कार्पेट पर अपनी खूबसूरती का जलवा बिखेरा, तब सभी की निगाहें उन पर टिक गई थी। लेकिन कैन फिल्म फेस्टिवल से पहले ही एक्ट्रेस के साथ एक बड़ी गड़बड़ हो गई थी, जिसकी वजह से पूजा और उनकी पूरी टीम टेंशन में आ गई थी। इस बारे में एक्ट्रेस ने अब एक इंटरव्यू में खुलासा किया। पूजा ने बताया कि कैन फिल्म फेस्टिवल में पहुंचने से पहले ही उनका बैग खो गया था। इस बैग में उनकी ड्रेस, मेकअप का सारा सामान था। पूजा ने बताया कि इवेंट में पहुंचने से पहले ही मेरा बैग खो गया था, जिसमें मेरा मेकअप, आउटफिट, हेयर प्रोडक्ट सब कुछ रखा हुआ था। ये बैग पेरिस में कहीं छूट गया। शुक्र है कि मैं अपने साथ कुछ रियल ज्वेलरी लाई थी जो मैंने पहनी। हम परेशान हो गए थे, लेकिन रो नहीं सकते थे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था। मुझसे ज्यादा मेरी मैनेजर परेशान थी और मैं ऐसी थी, अच्छा ठीक है चलो कार में बैठो और क्या करना है सोचते हैं। मैंने आउटफिट के बारे में सोचा। मेरी टीम भाग दौड़ करके नए हेयर प्रोडक्ट्स और मेकअप लेकर आई। सभी लोग टाइम देखकर काम कर रहे थे। हमने ना लंच किया ना ब्रेकफास्ट किया। मैंने पूरे दिन का पहला मील रात में रेड कार्पेट की वॉक के बाद खाया, तो ये काफी हेक्टिक हो गया था। मेरे हेयर स्टाइलिस्ट को फूड पॉइजनिंग हो गई थी, लेकिन वो मेरे बाल बना रहा था। मेरे पास बेहतरीन टीम है और मैं यहाँ उन लोगों की वजह से हूँ। पूजा बताती है, मेरे मेकअप आर्टिस्ट ने मेरे पास आकर कहा, हमने चेक किया है आपका एक बैग था। तो मैंने कहा, नहीं दो बैग थे। फिर हमें पता चला एक बैग इंडिया में ही कार में छूट गया और दूसरा यहाँ। और मैं कह रही थी, क्या हो रहा है यहाँ। मैं उस वक्त सच में दुखी हो गई थी, लेकिन फाइनली रेड कार्पेट पर सब कुछ ठीक हो गया। वेल, हमारे आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं शिखा जैन, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।